الفاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید وجاہت حسین رضوی ابن سید وزیر حسین رضوی کی روح کو ایصال فرمائیں اور جملہ مومنین و مومنات کی روح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله قرآن حکیم جو سید کتب سماویہ ہے، اس کتاب کی وہ آیت کے جو سید الآیات ہے، اور اس لیے سید الآیات ہے کہ یہ ایک جامع ترین متن ہے. یہ تنہا ایک آیت جامع ترین متن ہے عرفان حضرت باری سبحانہ وتعالی. گزشتہ برس کی گفتگویں اگر ذہن میں ہوں تو میں نے شاید یہ بھی عرض کیا ہوگا کہ یہی متن عرفان نظری کا بھی بہترین متن ہے اور عرفان عملی کا بھی بہترین متن ہے. اسی متن کے بطون سے، انہی الفاظ سے، انہی فقروں سے، انہی سطروں سے نظریاتی بحثیں بھی سامنے آتی ہیں اور عملی اسباق بھی سامنے آتے ہیں. اور یہ جو گفتگو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمے اور ایک ایک اسم کے ضمن میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان الفاظ کے لغوی حدود سمجھ میں آ جائیں، لفظ و معنی کے رشتے کی ادبی بحثیں روشن ہو جائیں. بات صرف اتنی نہیں ہے،
हर इस्म इलाही बज़ाहिर एक लफ्ज है, बबातिन एक पूरा कुरान है। हर इस्म मुबारक हक सुबहानहु व तआला, एक एक लफ्ज में, एक एक इस्म गिरामी में, ये अस्माए हुस्ना, इनमें से हर इस्म तन्हा एक लफ्ज नहीं है। इस एक इस्म में, एक लफ्ज में न जाने कितने दलाइल पोशीदा हैं, कितने बराहीन पोशीदा हैं, कितने दस्तूरुल अमल पोशीदा हैं। दलील और बुरहान का ताल्लुक अक्ल और मंतिक और बहस और नजरियात से है। वजूद बारी ताला पर या वहदानियत हक सुबहानहु व ताला पर कि वो है और वो एक है। हर इस्म एक और एक से ज्यादा दलीलें फराहम करता है। इस्म इस्म नहीं है, दलील है। इस्म एक लफ्ज नहीं है, एक बुरहान है। इस एक लफ्ज में एक इस्तिदलाल पोशीदा है और कभी कभी एक लफ्ज में एक से ज्यादा इस्तिदलाल पोशीदा है। जिसे आप एक लफ्ज समझते हैं, अगर उस दलील को, उस बुरहान को, उस इस्तिदलाल को तफसील के साथ मकतबी अंदाज में बयान किया जाए तो एक दफ्तर है। इसीलिए मैंने गुजारिश की कि ये एक लफ्ज नहीं, एक कुरान है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। लफ्ज मुबारक अल्लाह, लफ्ज मुबारक अल-हय, लफ्ज मुबारक अल-क़य्यूम, या जितने अस्माए इलाही हैं, चाहे वो अस्माए हुस्ना, अस्माए मुबारक, चाहे सिफात ज़ातिया की तर्जमानी करते हों, सिफात थुबूतिया की तर्जमानी करते हों, सिफात सलबिया की तर्जमानी करते हों, सिफात फ़िलिया की तर्जमानी करते हों, किसी न किसी एतबार से एक एक लफ्ज में, एक एक हौज़े कौसर पोशीदा। नाम किसका है, नाम किसका है, किसका नाम? जल्लत अज़मतो अल्लाह सुबहानहु व ताला का नाम है। और यहाँ बहुत सी बहसें, देखिए मैं इस अंदाज से बहस इसलिए करता हूँ, आपने महसूस नहीं किया कि हमारी गुफ्तगू का तरीका ऐसा है कि किताबों से भी रिश्ता जुड़ा रहे, मकतब और मदरसे से भी रिश्ता जुड़ा रहे, जो आपकी तहजीब मजलिस कायम हो गई है उसकी भी रियायत होती रहे, ताकि किसी हद तक सही एक होलिस्टिक अप्रोच हो और मजमे में जिस ज़ौक का भी कोई शख्स बैठा हो, तालिब इल्म हो, किताबों के मुताले का ज़ौक हो, तो वो जाके किताबों की जस्तजू करे, अच्छे उस्ताद मैसर हो जाएं तो उनसे इस मतालिब पर बहस गुफ्तगू करे, दर्स हासिल करे, अमल की तौफीक हो, तो रियाजत करे, हिम्मत हौसला हो तो कदम उठाए, बेहिम्मत हो तो हिम्मत लेके जाए, बेहौसलगी से जिंदगी बसर नहीं हो सकती। और बीच में जो बिल्कुल मकतबी अंदाज ले आता हूँ, जैसे मालूम हो कि मकतब में बैठे हुए ग्रामर और लैंग्वेज की बातें कर रहे हैं, या इल्मे कलाम का कोई मसला हो या इरफान का कोई मसला हो, उसे मकतबी सतह पे मालूम है किस लिए लाता हूँ? इसलिए कि ये हमें सिखाया है हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम।
कल हजरत की शान में आकाए दो जहां की हदीस मैंने गुजारिश की थी, आज हजरत का खुद एक कलाम पेश कर रहा हूँ। छोटे छोटे फकरों में, छोटे छोटे फकरों में मासूमीन कितनी अजीम बहसें समेट कर पेश करते चले जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे माशरे में क्या क्या ख़राबियाँ हैं, क्या क्या बलाएँ हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं, निज़ाम तालीम में क्या कमज़ोरियाँ हैं, तहज़ीबी क्या कमज़ोरियाँ हैं, और सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त यह है कि इरफान के नाम पर ऐसे बेमारिफत लोग अपनी देहड़ियाँ सजाए हुए हैं के सबसे अंदोहनाक मुसीबत इस वक्त आलम इस्लाम के लिए यह है। उर्दू दुरुस्त नहीं पढ़ सकते, अरबी की तो खैर बाकी, और कुरान मजीद की आयतें नहीं पढ़ सकते, सही तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, बैठ के सही कराने की कोशिश कीजिए तो इतनी तख्लीकी सलाहियत नहीं है कि एक लफ्ज़ को आर्टिकुलेट कर सकें, सही अदा कर सकें। अगर उन्हें कहिए कि कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, तो वो कहते हैं ला हौले वला कुव्वते, या ला हौला वला कुव्वते, वाव का ज़बर नहीं अदा हो पाता, वाव के नीचे का, अजीब व गरीब सूरत हाल है। और उनकी शोहरत सुन लीजिए जरा, शोहरत सुन लीजिए। अरे जनाब, बहुत बड़े आरिफ हैं, वलीउल्लाह हैं, इनके अनफाज कुदसिया में वो तासीर है कि दम कर दें तो मरीज शफा पा जाए, गैब की खबर देते हैं, कोई सामान चोरी हुआ हो तो जाइए उनसे पूछ लीजिए। क्या क्या एक तवहुमात की दुनिया आबाद है, और ज़ईफुल एतिकाद मुआशरा गर्क होता चला जा रहा है, नहूसतें छटने के बजाय और मंडला रही हैं। पूछिए आपने कई किताबें पढ़ी, फरमाते हैं आरिफ को पढ़ने से क्या ताल्लुक है, हम आशिक हैं, इश्क ने इरफान के दर्जे पे पहुंचा दिया। इश्क अंधा नहीं होता, इश्क बेमारिफत नहीं होता, पहले मारिफत होती है बाद में इश्क होता है। जो बेमारिफत इश्क हो वो इश्क नहीं कहलाता, वो जुनून कहलाता है, वो खलल कहलाता है। इश्क मोहब्बत की बुनियाद मारिफत पर होती है, और मारिफत की बुनियाद किस पर है, मारिफत की बुनियाद किस पर है, जिसका जी चाहे कहे हमने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुकाशिफे हो गए, साहेब कशफ व करामात हो गए, ख्वाब देखा साहेब कशफ व करामात हो गए। बाद बच्चों को ख्वाब नजर आते हैं इस तरह के उड़ रहे थे, अभी कुछ चंद रोज पहले भी एक बच्चे ने ये मुझसे कहा कि अगर मैं देखूं कि उड़ रहा हूं सोते में आसमानों की तरफ जा रहा हूं, तो मैं मुस्कुराया, दिल तो ये चाहा कि मियाँ मुबारक हो, साहेब मेराज हो गए। मगर कही नहीं मैंने ये बात उस बच्चे से, इसलिए कि सूए अदब भी मुमकिन था। आप समझ रहे हैं मैं किस एतबार से कह रहा हूँ, एक पूरी कौम है बेबसीरत और बेमारिफत जो रसूल की मेराज को ख्वाब समझती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बहरहाल ये मौजू तो बाद में आएगा, इस वक्त जो अर्ज़ करना है वो अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ। साहब बाज़ मुद्दई मिले, आपने किस मकतब में पढ़ा, किस उस्ताद से पढ़ा, अमलियात आपने किए तो किस उस्ताद से आपने हासिल किया, इज़्न हासिल किया, सीखा। ख्वाब में मौला ने आके पढ़ा दिया, हमें कश्फ हासिल हो गया, साहिब कश्फ हो गए। देखिए हमारे और आपके इमाम सिब्त रसूल सिब्तुम मिन अल असबात हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, छोटे छोटे फकरों में क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा, दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा वतूल तजारिब ज़ियादतुन फिल अक्ल वश्शरफुत तक्वा। हर फकरा खुदा की कसम है, सैकड़ों सफ़े की तफसीर से आता है। ये मैं जवाज़ के तौर पर भी पेश कर रहा हूँ और मौला का पैगाम भी आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगुओं में मिंबर पर मकतबी उसलूब क्यों इख्तियार करता हूँ। कम से कम हवाला ही देकर सही, मालूम होता है थोड़ी देर के लिए कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं। कभी भी आप दर्स व बहस की क्लास से अपने जहन को जुदा ना कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली आप वहाँ हों, आपका अंदरूनी वजूद जो है वो हमेशा तालिब इल्म रहना चाहिए। मौला क्या फरमाते हैं, दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफत, दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ है इल्म और एक है मारिफत। अब यहीं पे बहस होगी, अहले लुगत क्या लिखते हैं, डिक्शनरी मीनिंग क्या है इल्म के, डिक्शनरी मीनिंग क्या है मारिफत के, और उसके बाद डिक्शनरी से निकल के फ़िलासफ़ी में आइए, एपिस्टीमोलॉजी में आइए, जहाँ इल्मुल इल्म से बहस होती है, इल्मुल मारिफा से बहस होती है, यानी थ्योरी ऑफ नॉलेज से बहस होती है। ये बहस होती है कि नेचर ऑफ नॉलेज है क्या, इल्म क्या है, वहाँ ये बहस होती है कि इल्म क्या है, मारिफत क्या है, इदराक क्या है, शुऊर क्या है, इल्म पहले है या मारिफत पहले है, दोनों मुतरादिफ हैं या एक दूसरे पर सबकत रखते हैं, तकद्दुम व ताख़ुर है, मारिफत का दर्जा पहला है या इल्म का दर्जा पहला है, ये बहसें हैं ना। आज तक फलसफे की जो शाख जिंदा है, कदीम फलसफे की, वो सबसे जिंदा शाख यही है जो फलसफे इल्म से बहस करती है, और ये वो शाख है जो जिंदा रहेगी। अब यहां देखिए, ये सारे हवाले जहन में रखें और देखिए मौला क्या फरमा रहे हैं, इल्म और मारिफत का फर्क भी सामने आ रहा है इस एक फकरे में। मारिफत कैसे पैदा होती है ये दस्तूर भी अता फरमा रहे हैं, और इल्म से जुड़े रहने की तरगीब भी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। फरमाते हैं दिरासतुल इल्म, सबक पढ़ना और पढ़ाना, इल्म सीखना और सिखाना, दिरासा दर्स, दर्स दर्स का लफ्ज तो सब जानते हैं। अब देखिए मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, ठहर जाऊँ यहाँ पर, साथ दीजिए, अरबी जबान भी अजीब व गरीब जबान है। आप समझते हैं दर्स के बस एक मानी, क्या सबक पढ़ना है ना, दाल रे सीन, ये रूट वर्ड अजीब व गरीब रूट वर्ड है, अजीब मादा है। दर्स के मानी ये भी हैं कि किसी चीज़ को पांव से रौंद डालना, ऐसे कि उसके नाम और निशान भी बाकी ना रहे। और एक मानी ये है कि जिसमें पांव से रौंदने की कैद नहीं है, किसी चीज़ का मिट जाना, जैसे आसार हों, आसार कदीमा, और वो मुनहदिम हो जाएं और फिर मिट जाएं, या सैलाब आ जाए, बारिश हो, या ज़माना गुजर जाए, वक्त का सैलाब गुजर जाए और वो निशानात भी मिट जाएं, तो कहते हैं कि वो चीज़ मुंदरस हो गई, मिट गई।
उसके लिए भी दर्स इसी रूट वर्ड से आया है कलेमा, और सबक पढ़ने पढ़ाने के लिए भी दर्स का लफ्ज आया है। दर्स का एक रूट वर्ड एक सेगा वहां भी इस्तेमाल होता है जहां आप फसल काट के लाते हैं और बालियां है पहले पुराने जमाने में हैवान की टापों से सुमों से रौंद के दाने अलग करते थे खोशों से, अब मशीनों का सहारा लेते हैं, लेकिन वो पांव से हैवानात के जरिए से दाना अलग करना उसके लिए भी दर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता था। एक रूट वर्ड कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, तवज्जो है। अब ये लफ्ज अगर इल्मी मुबाहसे के लिए आया तो क्यों आया? अब यहां पर ये सारी बहस समेट कर एक जुमला कहूं और तालिब इल्म आज हदिया लेकर जाएं कि दर्स की शान क्या होनी चाहिए। जब तक इस्तिलाहात की शक्ल में मालूमात हासिल हो, मालूमात मुशख्खस हो, उस वक्त तक मुतमइन न होइएगा कि इल्म हासिल हो गया। जब ये मालूमात जुज़्वे जान बन जाए, तहलील हो जाए, रिज़्क रूह बन जाए, तो उसे कहते हैं दर्स। जिस्म की ग़िज़ा वो दाने जो हैं खोशों में होते हैं, बालियों में होते हैं, उसे किसी मशीन से या किसी हैवान के जरिए से या किसी जरिए से आप दाना जुदा करते हैं, उसे दर्स कहते हैं। इल्म का समर इबारतों में होता है, इबारतों से वो समर निकालना, लफ्जों के बतन से मानी निकालना, और उसके बाद उसे रिस्क जहां बना लेना, इसे कहते हैं दिरासतुल इल्म। इसे कहते हैं दिरासतुल इल्म। तवज्जो है, रवा रवी में किताब पढ़ के गुजर गए नहीं, सरसरी मुताला फरमा लिया नहीं, वरक गर्दानी कर ली नहीं, ब्राउज कर लिया नहीं, एक एक लफ्ज एक खोशा है उसके, एक एक हर्फ एक खोशा है, एक बाली है, उसके अंदर समर इल्म है। उस समर इल्म को उस्ताद और शागिर्द बैठकर जुदा करते हैं। पैकरे नूरानी मानी को गिलाफे जुल्मानी लफ्ज से जुदा करते हैं। हिजाब मानी है, लफ्ज हिजाब मानी है, लफ्ज का हिजाब चाक करके निगार मानी को काबिल दीदार बनाते हैं। आशिकाने हकीकत पैरहने लफ्ज को चाक करके माशूके इल्म को उरिया कर देते हैं। इसका नाम है दिरासतुल इल्म, सबक पढ़ना और पढ़ाना, इल्म हासिल करना और इल्म देना, यह दिरासतुल इल्म। जब इस दर्जे पर इल्म हासिल किया जाए, इस दर्जे पर इल्म हासिल किया जाए कि लफ्ज के पर्दे चाक हो जाएं, जामे इबारत दरीदा हो जाए, जलवे मानी तजरीद की हालत में उरिया हो जाए, तब वहां मारिफत नमूद करती है। यह है हजरत के जुमले के मानी, ये हैं
हजरत के जुमले के मानी दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा, दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा। अभी सिर्फ दिरासत के मानी बयान किए हैं, इल्म के मानी रह गए, लिकाह के मानी रह गए, मारिफत के मानी रह गए। सलावात पढ़िए। कलाम किसका है? कलाम उसका है कि जिसने ज़बान नबूवत चूसी है, हुसैन इब्न अली का कलाम, किसी और का नहीं, किसी और अदीब व खतीब व शायर का नहीं है, हुसैन इब्न अली का जुमला। एक छोटा सा जुमला, इसकी तशरीह करता चला जाऊं। ये तालिब इल्म कम से कम सैकड़ों सफ़े इस एक जुमले की रोशनी में लिख सकता है। दूसरे जो वाकयान आलिम हैं उनकी कैफियत क्या होगी मैं नहीं कह सकता। देरा चार अल्फाज हैं, दिरासत अल इल्म लिकाह अल मारिफा। दिरासत अल इल्म लिकाह अल मारिफा, जब इल्म उस दर्जे पर हो, खूब पुख्ता इल्मी बुनियादें हों, तब मारिफत नमूद करती है। तो आरिफ जिसे कहते हैं वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? यानी अब आपकी समझ में आई बात, माशरा कहां से कहां पहुंच गया है। तलफ्फुज़ दुरुस्त नहीं है, आयत पढ़ नहीं सकते, सूरे याद नहीं है, इबारत नहीं पढ़ सकते, अरे और तो और मीर का शेर सही नहीं पढ़ सकते, अनीस का सलाम सही नहीं पढ़ सकते। आरिफ हैं, क्या दर्जे मारिफत है, क्या दर्जे मारिफत है। आरिफ वलीउल्लाह, और दरबार लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। ज़ईफुल एतिकादी का भी कोई ठिकाना है? ज़ईफुल एतिकादी का भी कोई ठिकाना है? देखिए ये सब बातें भी मिंबर पे कभी कभी हो जानी चाहिए। एक सलावात पढ़ दीजिए। ये माशरा जो जिसका इंतसाब है आले मोहम्मद के साथ, ये माशरा जिसका इंतसाब है बाब मदीनतुल इल्म से, इस माशरे का इम्तियाज, इस माशरे का शरफ, इस माशरे की पहचान तारीख में ये रही है कि मुहद्दब तरीन माशरा रहा है। शाइस्तगी, अदब, शेर, खिताबत, तहकीक, तसनीफ, तालीफ, आदाब मजलिसी, हिफ्ज मरातिब, अकदार की पासदारी, वजादारी, कहाँ चली गई ये सब चीजें, कहाँ चली गई ये सब चीजें। ये सब चीजें न हो और इंसान खुद को अहले बैत का चाहने वाला कहे, तौबे का महल है। तौबा, इस्तग़फ़ार, निदामत, शर्मिंदगी, किसके चाहने वाले, किसके किसकी गुलामी का दम भर रहे हैं। आपके शहर के गवर्नर और मिनिस्टर और जजों के जो नौकर होते हैं उनकी डिसिप्लिन कहीं उसमें खलल नहीं आता है? आले मोहम्मद के गुलामों की डिसिप्लिन में कैसे खलल आ रहा है? तो आलम हस्ती के फरमा रवा हैं, निजाम हक को कायम करने वाले हैं, उनके गुलाम, उनके चाहने वाले, उनसे उनके नाम का दम भरने वाले। ये तहजीब अमानत है, इस तहजीब को महफूज रखिएगा। जबान की शाइस्तगी, नजर की पाकीजगी, हिफ्ज मरातिब, बुजुर्ग खुर्द का लिहाज,
आलिम और जाहिल की तमीज। तहजीब नूरानी तहजीब है आपकी, खाकी तहजीब के अमानतदार नहीं है आप, विलाई तहजीब है, विलाई तहजीब है। ये वो तहजीब है कि इसका कोई एक चराग भी कहीं जल जाए तो वीराने में, वो वीराना वीराना नहीं रह जाता, मामूर बन जाता है। बस गुफ्तगू आगे बढ़ा दूं। इस फकरे को याद रखिएगा, मौला ने फरमाया है दिरासतुल इल्म, इल्म सीखो सिखाओ, इसलिए इस तहजीब से भी जुड़े रहिएगा। इसका एक फ़ायदा और अर्ज कर दूं, वाकयान फ़लसफे और इरफान में फ़र्क है। इरफान अपनी जगह एक इल्म है, फ़लसफ़ा अपनी जगह एक इल्म है। ये भी एक हकीकत है कि इरफान की बुनियाद कशफ व शहूद पर है, फ़लसफ़े की बुनियाद दलील व बुरहान पर है, मंतिक पर है। फ़लसफ़े में मंतिक, इल्म मंतिक का दूसरा नाम है इल्म मीज़ान, नाम ही इल्म मीज़ान। और मीज़ान किसे कहते हैं? तराजू, बल्कि इल्म तराजू भी कहा गया है इसे। हंसने की बात नहीं है, ये किसी और ने नहीं, ये लफ्ज़ तराजू कलेमा जो है फारसी है, और इब्न सीना ने, बू अली इब्न सीना शेख और रईस फारसी में, उनका सारा का सारा काम तकरीबन अरबी में है, लेकिन एक छोटा सा रिसाला उन्होंने फारसी में भी लिखा है, उसमें इल्म मंतिक का तर्जमा इल्म तराजू किया है। इल्म मीज़ान अरबी में मीज़ान कहते हैं, फारसी में तराजू कहते हैं। इल्म मंतिक या इल्म मीज़ान ये इसलिए है कि दलील को जांचा परखा जा सके, दलील दुरुस्त है या नहीं, ठीक है। अब अगर कोई शख्स कशफ और शहूद का मुद्दई हो जाए तो क्या कशफ और शहूद को जांचने के लिए भी कोई मीज़ान है या नहीं? तवज्जो है, आपने ख्वाब देखा, कैसे ये फैसला होगा कि ये ख्वाब सही था या सही नहीं था? ये ख्वाब या ख्वाब में जो बात कही गई वो इल्काआत सुबुहिया में से है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से है, या नऊज़ु बिल्लाह वसवसे शैतानी है? क्योंकि शैतान कभी कभी अच्छी बातें बुरे मकसद से करता है। हर चीज का मौका महल होता है। अहम और मुहिम ही में अगर शैतान वहीं चाहे कि लफ्ज़िश पैदा हो जाए, कोई प्यासा है और आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, पानी है, और शैतान कहेगा अरे मियाँ ये कहीं जाके और पानी पी लेंगे, आपको नमाज पढ़नी है, अपने वजू का ख्याल कीजिए, तो कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहा है वजू कीजिए और जाइए नमाज पढ़िए, ये जाके कहीं और पानी पी लेंगे, प्यासे ही तो है। मिसाल दे रहा हूँ, आपको प्यासे को पानी पिलाने का सवाब भी नहीं मिला और नमाज भी गारत हो गई। हुक्म शरीयत क्या है? इंसान तो इंसान, अगर हैवान प्यासा हो तो उसकी प्यास बुझाओ, नजिस जानवर अगर कुत्ता प्यासा हो तो उसकी प्यास बुझाओ, है ना। चले जाए कि एक इंसान है मोमिन, शैतान ने क्या कहा, ये नहीं कुछ कुछ किसी बुरे काम का हुक्म दिया,
अरे आपको नमाज पढ़नी है, आप वजू कीजिए और नमाज पढ़िए, कहीं जाके पानी पी लेंगे। बहरहाल एक मिसाल काफ़ी है, शैतान बुरे मकसद से अच्छे काम भी बताता है, तालीम देता है अच्छे कामों की। तो कैसे समझा जाए कि जो मुकाशिफा था, ख्वाब था, या जो भी आपने समझा के दिल में बात आई, जहन में बात आई, ये वाकयन इलाही है या शैतानी? अगर आपकी हकीमाना बुनियादें, मंतकी बुनियादें, उलूम मुतदावला आपने नहीं पढ़ा है, अगर सही और गलत की तमीज करने की मश्क जहन को नहीं है, धोखा खा जाएंगे। बहस दकीक है मगर जाहिर मकतबी है, जरूरत है, धोखा खा जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि पहले ये जो उलूम मुतदावला लुगत का इल्म हो, अल्फाज और मानी के रिश्तों का इल्म हो, इरफान हो, मंतिक जानते हो, फलसफा पढ़ा हो, तफसीर पढ़ी हो, हदीस पढ़ी हो, इल्म हदीस के उसूल, इल्म दरायत के उसूल इससे वाकिफ हो, फिक्र से आशना हो, कलाम से आशना हो, इल्म कलाम से यानी इल्म अकायद से, उसके बाद मंजिल आती है इरफान की। वाजे है, पैगाम दूर तक पहुंच रहा है, मालूम है। शरीयत हमें जरूरत ही नहीं है, शरीयत की हम तो आशिक व आरिफ हैं। ये न इश्क है न इरफान। आपके आका व मौला अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या फरमा रहे हैं? दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा। अब मैं ठहर के एक जुमला कह दूं, अभी कुछ अरसे कबल लखनऊ में कहा था, यहाँ फिर कह देता हूँ, मुझे नहीं मालूम, यहाँ तो चंद दिनों के लिए आता हूँ कराची में, तो यहाँ क्या आदाब और रसूम बढ़ रहे हैं आज़ादारी के सिलसिले में, इसका मुझे कोई ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन वो ये तो एक मुसल्लम है कि मजलिसें होती हैं और तबर्रुक तकसीम होता है, और वो तबर्रुक में खाने पीने की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। कुछ दिनों पहले उसकी एक मंतिक है, उसकी एक मंतिक है, कोई स्टूडेंट अगर एक घंटे, सवा घंटे, दो घंटे, डेढ़ घंटे बैठ के थॉरली स्टडी करे, तो उसके बाद उसके जिस्म की एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है, उसे भूख महसूस होती है, उसे कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, कुछ ग़िज़ा चाहिए। तो ये कोई यूं ही नहीं है, ये मजलिस है, दर्स है, बहस है, तवज्जो इंसान लगा रहा है, एक घंटा दो घंटा सुना, डूब के सुनी मजलिस, मुतासिर हुए, अक्लो जहनो नफ्सो रूह सबका तआमुल हुआ, उसके बाद रिफ्रेशमेंट मिल गया, थोड़े से जिस्म का भी भला हो गया। इसमें एक मंतिक है, ये इसराफ नहीं है। इसराफ नहीं है, ये बिदात नहीं है, ये तबर्रुक बिदात नहीं है। सबसे पहली मजलिस जो रसूलुल्लाह ने तौहीदी मजलिस मुनाकिद की थी, सबसे पहली मजलिस ऐसी थी। देखिए ना, दो चीज़ें आज तक, दो चीज़ें मस्जिदों में सिर्फ मुस्लिम आ सकता है, मजलिसों में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते हैं। ये
پیروی پیغمبر کی ہے پہلی مجلس میں مومن ابو طالب جیسا بھی تھا کافر ابو لہب جیسا بھی تھا صلوات پڑھنے محمد والا پہلی مجلس بانی ہے مجلس کون رسول اللہ بلکہ اگر اجازت ہو تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ بانی مجلس تو ہے خدا جو حکم دے وہ بانی ہے اللہ نے کہا پیغمبر اب تبلیغ شروع کریں اللہ کے حکم سے پیغمبر نے کہا علی بے تبرک کا انتظام پہلے کر لو اب یہ ضرور ہے یہ ارتقاء ہے وہاں چونکہ کفار و مشرکین اور بے ذوقوں کا مجمع زیادہ تھا علمی ذوق نہیں رکھتے تھے ایمانی ذوق نہیں رکھتے تھے آیات کا ذوق نہیں رکھتے تھے تو کھانا پہلے کھلایا پیغام بعد میں دیا اب آپ صاحب ایمان ہیں ہم پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں تو تبرک ہی کے فضائل پر اس قدر واہ واہ تھا ذرا سا آپ صبر سے سنیں بات آگے بڑھنے دیں ایک صلوات پڑھیں محمد میں ایک بات عرض کر رہا تھا جو اصل میں عرض کرنا ہے پھر اس پر بھی اتنے ہی جوش سے آپ داد دیں گے تو صاحب پہلے تو ہوتا تھا تبرک وہ تبرک واقعا مجلس کا تبرک اور اس کے بعد پھر اب میں نے ادھر سنا کہ تبرک میں صاحب وہ موبائل تقسیم ہو رہے ہیں کھانے کے سیٹ تقسیم ہو رہے ہیں چائے کے سیٹ تقسیم ہو رہے ہیں یہ سب ہوئے مشتقبات آئی اب اس میں کمپٹیشن شروع ہوا کمپٹیشن اس میں نہیں ہے مجبور ہوں میں کبھی کبھی اب بھی کمپٹیشن اس میں نہیں ہے کہ بیان کیسا ہوا درس کیا تھا آیتیں مجلس میں صحیح پڑھی گئیں یا غلط پڑھی گئیں تفسیر صحیح بیان ہوئی یا تفسیر برائے ہو گئی واقعاً فضائل بیان ہوئے یا بنام فضائل کچھ اور بیان ہو گئے اب یہ چیزیں نہیں اب سٹیٹس سمبل کے طور پر کہ آپ نے موبائل تقسیم کیا تھا تو ہم پھر اس سے بڑی کوئی چیز تقسیم کریں گے یہ میں لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں کراچی کی نہیں اگر یہاں بھی ایسا ہوتا ہو تو اتفاق ہوگا میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں میری مجال ہے کہ میں آپ پہ تنقید کروں تو میں نے وہاں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ مجلس عزاء حسین یہ مجالس قرآنیہ یہ مجالس اسلامیہ یہ مجالس نبویہ یہ مجالس ذکر ان کا اصلی تبرک یہ نہیں آئے اصلی تبرک کچھ اور ہے اصلی تبرک یہ ہے کہ آپ کو یہ جملہ کسی معصوم کا لے لیں اس کی خطاطی کرائیں اسے ترجمے کے ساتھ ایک سووینئر کے طور پر ہر جانے والے کو دے دیں کہ بھئی یہ لے جا کے ڈرائنگ روم میں رکھنا اور اٹھتے بیٹھتے اس کو دیکھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ایک مجلس کا تبرک کب تک چلتا رہے گا اصل تبرک ذکر مولا ہے اصل تبرک ذکر
हक है, असल तबर्रुक कलाम मासूम है। तो आज की मजलिस का तबर्रुक क्या हुआ? दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा। देखिए मैं कह रहा था ना कि अब आप नहीं उठेंगे नारा लगाने के। सलावत पढ़िए मोहम्मद। छोटा सा जुटा, खुदा की कसम कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, फिलोसोफर हो, जो डूब के काम कर रहा हो थियोरी ऑफ नॉलेज में या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में काम कर रहा हो, उसके लिए भी ये जुमला जो है वो रोशनी का एक सरचश्मा है। दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा, क्योंकि आका ने फरमाया दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा। बस आज इतना ही इस ज़िम्मे अर्ज करूंगा, वक्त तमाम हुआ चाहता है। इसमें फलसफे तालीम और तरीक़े तालीम से लेकर और एपिस्टेमोलॉजी के दकीक तरीन मसाइल तक सिमट आए हैं इन चार लफ्जों में, गौर फरमाया आपने। और चूंकि ये मेरे पेशे नजर रहता है, इसलिए जब आका ही की मजलिस होती है तो फिर कोशिश होती है कि बात दर्स और तदरीस से भी जुड़ी रहे। और फिर जब बात अस्माए इलाहिया की हो या इसमें हक सामने आ जाए तो ऐसे सरसरी तौर पर गुजरा जा सकता है, तर्जमा करके गुजर जाए। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम, इसमें हर आने वाला फकरा अपने पहले वाले फकरे के लिए पूरी दलील है। अल्लाह ही हकीकत है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि वही हय्यु कय्यूम है। ये उस बयान की दलील भी है और बजाय खुद अपनी जगह एक मुफस्सल फसल भी है, एक बाब भी है। हय्युल कय्यूम, अल हय्युल कय्यूम। अब वक्त गुजर चुका मगर कुछ कल जो बातें अर्ज की थी उससे कुछ और आगे बढ़ जाएं बातें। मैंने गुजारिश की थी कि बाज उलमा कहते हैं कि अल हय्य और अल कय्यूम दो इस्म अलग अलग हैं, मगर बाज उलमा ये भी कहते हैं कि अल हय्युल कय्यूम दो अल्फाज मिलकर एक इस्म बनता है। और उसकी मिसाल अरबी ग्रामर में और हैं, जैसे बालबक, जैसे हदरमूत, इस तरह के बाज कलिमात हैं कि जो दो अल्फाज मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। तो वो मुसम्मा एक है मगर इस्म दो अल्फाज से मुरक्कब है। कहते हैं अल हय्युल कय्यूम दोनों मिलकर एक इस्म बनता है। बाज उरफा ये कहते हैं, उनके अपने दलाइल। बाज अलग अलग भी इसको जेर बहस लाते हैं, लेकिन आप देखिए तो सही कि अल हय्युल कय्यूम इस पूरे फकरे को अगर हम गौर करें, और कल की बातें अगर जहन में हों जो इब्तदाई तौर पर अर्ज की थी कि अल हय्य, इस कलमे अल हय्य यानी जिंदा, इसका इतलाक जहाँ एक तरक्की याफ्ता जिंदा वजूद पर किया जा सकता है, वहीं एक बिल्कुल इब्तदाई जिंदा वजूद पर भी किया जा सकता है। जो बिल्कुल बसीत तरीन सतह जिंदगी है उस पर भी इतलाक हो सकता है, और जो आली तरीन सतह जिंदगी है उस पर भी हो सकता है। लेकिन अल कय्यूम का इतलाक वो बसीत तरीन सतह पर नहीं होगा। अल कय्यूम का इतलाक सिर्फ उस पर होगा जहां तमाम कमालाते जिंदगी अपने नुक्ते उरूज तक पहुंच चुके हों। तवज्जो रहे, बहस की गुंजाइश तो नहीं है। मैंने कल की जो बहस थी उसे खुलासे के तौर पर आपके सामने दोहरा दी ये बहस, और इसके बाद एक अजीम ठाठे मारता हुआ मतालिब का समंदर है जिसकी तरफ सिर्फ इशारा कर सकता हूं साहिल पे खड़े होकर दूर से। वाह वाह वाह, क्या कहना।
और ये देखूं कि आपकी फिरासत की निगाहें कहां तक पहुंचती हैं। अगर ये बात समझ में आ गई कि अल हय नहीं, इससे गुजारिश से पहले यह गुजारिश कर दूं, लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह के मानी तो बयान कर देते हैं लोग, ये कहकर गुजर जाते हैं कि इसमें ज़ात है, लफ्ज़ जलाला है, और इसके मानी है कि माबूद बरहक। लेकिन मैं गालिबन गुजारिश कर चुका हूँ कि एक लफ्ज़ अल्लाह में तमाम अस्माए हुस्ना समोए हुए हैं, यानी लफ्ज़ अल्लाह में अर रहमान भी पोशीदा है, लफ्ज़ अल्लाह में अर रहीम भी पोशीदा है, लफ्ज़ अल्लाह में अल करीम भी पोशीदा है, लफ्ज़ अल्लाह में अस्सबूर भी पोशीदा है, लफ्ज़ अल्लाह में अश्शकूर भी पोशीदा है, लफ्ज़ अल्लाह में अल हय अल क़य्यूम भी पोशीदा है, लफ्ज़ अल्लाह में अर राज़िक भी पोशीदा है, सारे अस्मा एक लफ्ज़ अल्लाह में समोए हुए। और ये मतलब तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँगा, लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूँ ताज़ा, एक बात और कहता रहा हूँ कि कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहाँ जहाँ है हर सूरे के आगाज में, सूरह बरात के अलावा, वहाँ वो बिस्मिल्लाह उस सूरे का जुज़्व है। और कोई दो बिस्मिल्लाह ऐसे नहीं है कि जिनके एक मानी हों, यानी अगर कुरान मजीद में 114 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत आई है तो 114 मानी में आई है। ये बहुत दकीक बहस है, इस पर इशारा कर चुका हूँ, मुझे याद है पहले इशारा कर चुका हूँ, अलबत्ता तफसील नहीं जिक्र कर सका था। मुश्तरक लफ्जी है, लफ्ज मुश्तरक है, मानी हर बिस्मिल्लाह अपने बाद आने वाले सूरे के मुताबिक मानी रखता है। यानी जो तर्जमा फिल वाक़िउ फी नफ्सिल अम्र हकीकतन, जो तर्जमा सूरह अलहम्द के बिस्मिल्लाह का है, सूरह बकरा के बिस्मिल्लाह का वो तर्जमा नहीं है। जो तर्जमा अलहम्द के बिस्मिल्लाह का है और बकरा के बिस्मिल्लाह का है वो सूरह मुबारक है आले इमरान की बिस्मिल्लाह का नहीं है, और इसी तरह आखिर तक। अब गौर फरमाइएगा और देखिएगा आज तक क्या मुतरजमीन से तर्जमे का हक अदा हो सका। वो तो जहां जहां बिस्मिल्लाह है एक ही तर्जमा दोहरा देते हैं जू का तू। अच्छा अब यहां ठहर कर एक बात कह दूं, जिस तरीके से हर सूरे के मजमून और मुहतवा और मानी के मुताबिक उस सूरे के बिस्मिल्लाह का तर्जमा बदलता चला जाता है, इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह में सब मानी समोए हुए हैं। जब कोई मुहताज, जब कोई मुब्तला जिस नीयत से या अल्लाह कहता है उसमें से वही मानी सामने आते हैं। यानी क्या, अगर कोई रिस्क को मोहताज है कहता है या अल्लाह, इसके मानी है या राज़िक। कोई बीमार है कहता है या अल्लाह, इसके मानी है या शाफी। कोई गुम करदा राह है कहता है या अल्लाह, यानी या हादी। लफ्ज एक है, जिस नीयत से कहा जाएगा मुराद बदलती चली जाएगी। लफ्ज एक है, तवज्जो है, जब लफ्ज में ये करिश्मा मौजूद है, लफ्ज करिश्मा अदबी तौर पे कह के आगे बढ़ गया, जब लफ्ज में ये मौजजा मौजूद है तो जो अल्लाह का जिंदा नुमाइंदा होगा वाह
احمد کی تجلیاں کتنی ہوں گی، علی کی تجلیاں کتنی ہوں گی، زہرا کی تجلیاں کتنی ہوں گی، ابو عبداللہ الحسین کی تجلیاں کتنی ہوں گی، صلوات پڑھنے محمد روشن ہے نا، بحث روشن ہے، ایک لفظ اللہ میں سارے اسماء سموئے ہوئے ہیں۔ ایک کراہتا ہوا بیمار کہتا ہے یا اللہ، وہاں آواز جاتی ہے یا شافی۔ ایک رزق کا محتاج کہتا ہے یا اللہ، یعنی یا رازق، یا رزاق، یا فتاح۔ ایک گم کردہ راہ یا ایک جاہل یا ایک طالب علم کہتا ہے یا اللہ، یعنی یا ہادی۔ اور ہمارے یہاں لفظ ایک ہے، معنی اتنے، اسی طرح بسم اللہ ہے، ہر سورے کی بسم اللہ کا ترجمہ الگ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جامعیت سمجھ میں آ گئی لفظ اللہ کی، تو اب ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے کہ آیت مبارکہ کرسی میں یہ الحی القیوم کہاں پر آیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ خود جامع تمام اسماء ہے، اس کے بعد ہو جامعیت میں اس کے برابر ہے، اس کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ ہے الحی القیوم۔ یعنی لفظ الحی القیوم میں ایک لفظ اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے اسماء ہیں سب سموئے ہوئے ہیں۔ یعنی الحی القیوم میں هو الاول بھی ہے، هو الاخر بھی ہے، هو الظاہر بھی ہے، هو الباطن بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہ کیسے هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن؟ یہ دو خاص طور سے، یہ چار اسماء جو سورہ مبارکہ حدید میں آئے ہیں اس کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ الحی بسیط ترین سطح، اور القیوم کامل ترین سطح، بسیط ترین سطح اول، کامل ترین سطح آخر، بسیط ترین سطح ظاہر، کامل ترین سطح باطن۔ تو الحی القیوم میں سمو گئے نا یہ اسماء، سمٹ آئے، توجہ ہے، الحی القیوم۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ خود اسم اعظم ہے یا اسم اعظم سے قریب تر ہے۔ بس ایک فقرہ عرض کروں اور گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ میری آواز اتنی تیز ہو گئی تھی کہ یہ سب مائک بیکار ہو گئے، ایک نئے مائک کی ضرورت تھی۔ بارے دیگر نعرہ صلوات، اچھا ابھی تک تو بات لفظ کے پیرائے میں ہے، الحی القیوم اسم اعظم ہے یا اسم اعظم نہیں ہے یا اسم اعظم سے قریب تر ہے، لیکن آپ کو یہ جملہ یاد ہوگا کہ اصلاً اسم اعظم لفظی دنیا میں تلاش کریں تو کوئی کلمہ ہو سکتا ہے، ورنہ اطلاق کے ساتھ اسم اعظم لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک دقیق بحث ہے اور ایک منٹ دو منٹ میں یہ طے نہیں ہوگی۔ لفظ اسم اعظم نہیں ہو سکتا، اسم اعظم کوئی وجود ہوگا۔ اسم اعظم حق لفظ نہیں ہو سکتا، کوئی وجود ہوگا۔ عجیب منزل ہے۔
अब आज सैटरडे या संडे तो नहीं है, मगर मैं क्या करूं, दो तीन मिनट आप बर्दाश्त करें इस बहस को। तवज्जो रखिएगा, बस बहुत तवज्जो रखिएगा। आप हजरात के जहन में क्या तसव्वुर है इस्मे आज़म का? इस्मे आज़म का तसव्वुर आम तौर पर यह कि इस्मे आज़म जिसे हासिल हो, जिसे हासिल हो, हासिल हो के बजाय लोग कहते हैं इस्मे आज़म जिसे मालूम हो। मालूम होना काफ़ी नहीं है, अगर अगरचे मालूम होने का भी दर्जा बहुत है, लेकिन कहते हैं कि इसमें आज़म जिसे मालूम हो वो इसमें आज़म के सहारे से जो चाहे कर सकता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि इसमें आज़म के सहारे से जो चाहे कर सकता है। लेकिन बड़ी दकीक बहस है, और यहाँ से भी पता चलेगा कि आरिफ कौन होता है, साहिब नफस कौन होता है, और बेबस बेनफस कौन होता है। कभी भी देखिए, इस दार दुनिया में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कानून बनाया है, कानून इल्लत व मालूल। ये कानून ठोस है, अटल है, ये कानून अल्लाह ने बनाया है, और ये कानून तोड़ता नहीं। जिसने खुद कानून बनाया हो वो क्यों कानून तोड़ेगा? अल्लाह ने ये कानून बनाया है कि आग जलाएंगे तो गर्मी होगी, चराग रोशन करेंगे तो रोशनी होगी, अल्लाह ये कानून क्यों तोड़ेगा? अच्छा, जब उसने कानून बनाया है कि आग जलाओगे तो गर्मी होगी, तो आप ये कैसे तसव्वुर करते हैं कि आप कोई लफ्ज़ ज़बान से कहें और गर्मी हो जाए? तवज्जो है, हैं? अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, आग जलाओगे तो गर्मी होगी। अब आप समझते हैं कि कोई आरिफ और कोई वली, ऐसा हो सकता है कि वो ज़बान से कोई लफ्ज़ कहे और गर्मी हो जाए? अल्लाह ने कानून बनाया है कि बीज ज़मीन में बोगे तो दरख्त उगेगा, उसकी आबियारी करोगे तो वो सरसब्ज़ शादाब होगा, और उसके शराइत पूरे होंगे तो वो फल देगा। ये कानून किसने बनाया है? साइंसदान ने या सियासतदानों ने? ना सियासतदानों ने यह कानून बनाया है, ना साइंसदानों ने कानून बनाया। कानून तो खुद अल्लाह सुबहानहु व तआला ने बनाया है, तो वो कानून बनाया है तो तोड़ेगा क्यों? अब ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स ये दावा करे कि ये एक लफ्ज है, इस लफ्ज को आप दोहरा दीजिए और दरख्त जो है सरसब्ज और शादाब हो जाएगा? तवज्जो है, ये लफ्ज आप कह दीजिए, बेमौसम का फल मिल जाएगा। अगर बेमौसम का फल लफ्ज कहने से मिल जाए तो डिक्शनरी में अल्फाज भरे पड़े हैं। तवज्जो है, लफ्ज कहने से, लफ्ज कहने से कोई कानून न टूटता है न बनता है। जो साहिब इसमें आजम होता है वो अल्फाज के सहारे से नहीं, उसके पास अल्लाह की तरफ से इसमें आजम हासिल होता है वजूद में। वो हक सुबहानहु व तआला की तरफ से इरादे कुन फयकूनी का हामिल होता है, तो वो चाहता है मौसम बदल जाए तो मौसम बदल जाता है। कहने पर नहीं है, चाहत पर है। चाहत, वही चाहत जिसे मशीयत कहते हैं, कोई और चाहत नहीं, मशीयत जिसे कहते हैं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयान, अल्लाह की शान यह है कि जब वो कुछ चाहता है तो वो कुन कहता है और वो चीज हो जाती है।
इरादा शर्त है, यानी इसमें आजम लफ्ज नहीं है, इसमें आजम मकाम है, इसमें आजम वजूद है, यानी इसमें आजम लकीरों से हर्फों से बना हुआ लफ्ज नहीं है, इसमें आजम वो है जिसका नाम मुहम्मद अरबी है, इसमें आजम वो है जिसका नाम अली है, वली है, मुर्तजा है। सलावात पढ़े मोहम्मद। इसमें आजम एक वजूद है, एक मकाम है, ना कि लफ्ज। अल्फाज की दुनिया में ठीक है, ये बहस दकीक है, इसमें बड़ी बहसें होंगी, देखिएगा। एतराजात, सवालात, जी हाँ होने चाहिए, एतराजात सवालात होने चाहिए, लेकिन सवालात और एतराजात इल्मी और अदबी हदूद के अंदर होने चाहिए। अल हय्युल क़य्यूम, इसकी तिलावत का, इसकी वर्द का, इसके जिक्र का असर है, लेकिन असर किस एतबार से होगा? सिर्फ दोहराते रहें, जहन कहीं और रहे, दिल कहीं और रहे, नीयत यह है कि यह हो जाए, लेकिन जो कुछ जिंदगी का तौर तरीक़ है वो उस नीयत के तकाजों के बिल्कुल बरखिलाफ है, तो होगा नहीं होगा? अगर तमाम शराइत के साथ अल हय्युल क़य्यूम का जिक्र किया जाए तो फिर ये लफ्ज अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से सबब बनेगा कि उस जिक्र करने वाले का नफ्स इतना बुलंद हो जाए, इतना पाकीजा हो जाए, उसमें वो शान पैदा हो जाए कि जो वो मुराद चाहता है वो पूरी हो जाए। तवज्जो है। बहरहाल अब ये बात बहुत ज्यादा दकीक तो हो गई, लेकिन इस बहस को यहां रोकते हैं। जब इस्म आजम का मालिक हो, जो खुद इस्म आजम हो, अभी मैं क्या कह रहा था, बेमौसम का फल हो, मुमकिन है, लफ्ज से नहीं वजूद से। तबकात अर्ज को तहो बाला कर देना मुमकिन है, लफ्ज से नहीं वजूद से। यही सूरह मुबारक अलहम्द है। एक मरतबा सूरह मुबारक अलहम्द की तिलावत मरीज को सेहतमंद बना सकती है, मगर तिलावत करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना? बस एक लफ्ज कहूंगा, तबीयतें मुनकलिब हो जाएंगी। कल आका की रुख्सत पढ़ रहा था, मदीने से रुख्सत, आका नाना की कब्र पे गए, मादर गिरामी की कब्र पे गए, भाई की कब्र पे गए, उसके बाद साहिब इस्म आजम मजहर अल हय्युल क़य्यूम, मजहर अल हय्युल क़य्यूम हुसैन इब्ने अली। जब जनाब बीबी उम्मे सलमा के पास पहुंचे, या उम्मा इन्नी ज़ाहिबुन इलल इराक, मादर गिरामी में जा रहा हूँ। जनाब उम्मे सलमा का ये मकाम है कि इमाम हुसैन उन्हें या उम्मा कहा करते थे, मादर गिरामी। जनाब उम्मे सलमा ने कहा, बेटा इराक न जाओ, मजलिस हो गई। क्या अलमनाक हिजरत है जनाब सैयद शहजा की। अल्लामे मजलिसी ने बिहारुल अनवार में 70 से ज्यादा रिवायतें लिखी हैं, 70 से ज्यादा रिवायतें लिखी हैं, जिसमें यह है बयान, उन तमाम रिवायतों से मजमूई तौर पर मुस्तफाद होता है कि अहले बैत के एक एक फर्द को मालूम था कि हुसैन करबला में कत्ल होंगे, कोई बेखबर नहीं था। जिब्राइल ने आके खबर दी थी, रसूलुल्लाह को खबर दी थी, रसूलुल्लाह ने खुद बयान किया था और मुतअद्दिद बार बयान किया था,
और ये भी कहा था कि देखो मेरा बेटा हुसैन करबला में मजलूमियत के साथ कत्ल किया जाएगा, ए मेरे सहाबा तुम में से जो उस वक्त मौजूद हो मेरे बच्चे की नुसरत और मदद से दरेग ना करे। अहले बैत को मालूम था, बनी हाशिम को मालूम था, अक्सर सहाबा को मालूम था कि हुसैन करबला में कत्ल हो गया। जब जनाब बीबी उम्मे सलमा के पास तशरीफ ले गए और कहा मादर गिरामी मैं जा रहा हूँ, और मैं बेटा न जाओ, मेरा दिल अंदोहनाक कैफियत में मुब्तला है। जनाब इमाम ने फरमाया कि आपको जो खतरा है वो होके रहेगा। मादर गिरामी मुझे मालूम है, मैं तो उस नशेब को पहचानता हूँ जहाँ मेरा सर कलम। और अब यह साहिब इसमे अल हय्युल क़य्यूम निजाम हक में, निजाम हक की खातिर क़याम करने वाला अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, जिसका तसर्रुफ ये शान रखता है कि कहा मादर गिरामी जद माजदा आप देखना चाहती हैं मैं कहाँ कत्ल हूँगा। मरतबा इशारा किया, ज़मीनें पस्त हो गई, ज़मीन करबला बुलंद हो गई। कहाँ मदीना कहाँ करबला, आपने हाथ बढ़ाया एक मुट्ठी खाक उठाई, और क्या कहा मादर गिरामी ये खाक उस खाक के साथ रख लीजिए जो रसूलुल्लाह ने दी है। रसूलुल्लाह को जिब्राइल ने ला कर दी थी, रसूलुल्लाह ने भी फरमाया था उम्मे सलमा इसे रख लो, जिस दिन ये खाक खून हो जाए समझ लेना हुसैन ज़बह हो गया। रुखसत हुए मदीने से, रुखसत हुए मक्के तशरीफ ले गए, मक्के से रुखसत हुए करबला पहुंचे। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी हुसैन का राहवार चलते चलते रुक गया। सरकार सैयद शुहदा ने पूछा ये कौन सी जगह है। ऐसा मैंने अभी अर्ज किया ना कि बहुत से सहाबा को भी मालूम था, ज़ुहैर क़ैन साथ साथ थे। ज़ुहैर क़ैन ने कहा आका आप सवाल न करें आगे बढ़ते हैं। जैसे ज़ुहैर का दिल चाह रहा हो आका करबला न पहुंचने पाए। ज़ुहैर साथ हैं, साथ हो गए आका के साथ हैं, जानेसारी के जज्बे के साथ, फिदाकारी के आज़म के साथ। मगर जैसे ही वहाँ रुका रहवार और आपने पूछा ये कौन सी जगह है, जनाब ज़ुहैर ने कहा कि आका आप आगे तशरीफ़ ले जाएं, आप चलते रहें, आप चलते रहें, आप चलते रहें, आप पूछे नहीं किसी से कुछ। किस अंदाज से कहा जनाब ज़ुहैर ने, किस जज्बे से कहा, किस मोहब्बत से फरमाया। मगर आका ने कहा बताओ तो सही ये जगह कौन सी है। कहा गाज़रिया है इसका नाम। नहीं कोई और नाम भी है। देखिए सरकार मासूम का एक एक अमल, एक तो पूछा फिर जब एक नाम बता दिया गया तो ये जरूरी था पूछना क्या इसका कोई और नाम भी है। मालूम है हुसैन मगर पूछ रहे हैं। किसी ने कहा इस जगह का नाम नवावीस भी है, किसी ने कहा नए नवा भी है, किसी ने कहा शतुल फरात है। पूछते रहे, कहा कि इस जगह का कोई और नाम भी है, किसी ने कहा करबला। बस हुसैन का सफर तमाम हो गया।
सरकार सैयद शहदा ने कहा बस यही सवारियां बिठा दो, हमारी मंजिल आ गई, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यही वो जगह है जहां हमारे खैमे लगेंगे और खैमे जलाए जाएंगे, यही वो जगह है जहां हमारी कब्रें बनेंगी। सरकार सैयद शहदा ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बाज़ अरबाब मकातिल ने सराहत से जिक्र फरमाया है, ये बीबियों की सवारियां पीछे थीं, आका की सवारी आगे थी, आका की सवारी के बाद जनाब अली अकबर हैं, जनाब अब्बास हैं, पूरा काफिला है, मर्दों का काफिला है, पीछे जनाब बीबी ज़ैनब एक अमारी में तशरीफ़ फरमाएं। किसी ने आकर खबर दी, आका गजब हो गया, कहा क्या हुआ, कहा जैसे ही यहाँ ठहरा है काफिला, जनाब बीबी ज़ैनब फरमाती है कि इस जमीन से लहू की बू आ रही, मजलिस तमाम हो गई। एक रिवायत में ये भी है कि जब काफिला रुक गया, जब महमिलें उतारी गई, खैमे लगाए गए, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने करबला की जमीन पे कदम रखा, गश खा के गिर गई। हमें उलूम कुरान और मआरिफ अहले बैत से आशना फरमा, परवरदिगार हमारे इस नाचीज़ और नाक़िस ज़िक्र को कबूल फरमा, परवरदिगार हमें अपने आसमाए हुस्ना की तजल्लियों से सरफराज फरमा, परवरदिगार सीरत मुस्तफ़ा और सीरत अहले बैत मुस्तफ़ा की तजल्लियों से मिल्लत इस्लामिया की तहजीब को मामूर फरमा, परवरदिगार तमाम आलम इंसानियत को अमन और आफियत का तोहफ़ा अता फरमा, परवरदिगार वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम दे। हज़रात तमाम मोमिनीन और मोमिनात की सेहत याबी के लिए, शिफा के लिए और ख़ुसूसियत के साथ हसीन हैदर साहब की सेहत याबी के लिए दुआ फरमाएँ और पाँच मरतबा इस आयत की तिलावत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله.